शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉटन मार्केट में लगी आग को पूरी तरह से मनपा के कर्मी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित दुकानदारों ने हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग करते हुए कॉटन मार्केट में कचरा जलाने वाले उन दोषी मनपा कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे से की है। नागपुर शहर में यूं तो कई मार्केट है और इन सभी मार्केट में सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध मार्केट के तौर पर कॉटन मार्केट का जिक्र होता है। जी हाँ, कॉटन मार्केट में आए दिन आग लगी थी। कॉटन मार्केट में आग कैसी लगी ये विषय पर अब तक खुलासा नहीं हुआ था। इस आग में तकरीबन 22 दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मनपा के कुछ कर्मचारियों को वहां जमा कचरा जलाने से कुछ दुकानदारों ने साफ मना किया था, लेकिन कर्मचारियों ने दुकानदार की कोई बात को तवज्जो न देते हुए वहां का कचरा जलाया, जिससे आग लगी और देखते देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण करते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। गैर जिम्मेदाराना काम करने वालों पर कार्रवाई मनपा आयुक्त करे और नुकसान का मुआवजा मिले, इसके लिए दुकानदारों ने एक ज्ञापन प्रवीण जी राउत को दिया है। कॉटन मार्केट में जिस तरह से ये आग लगी थी वो कचरा जलाने से लगी थी और कचरा जलाने वाले उन कर्मियों को जिन्होंने रोका और टोका, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी गौर ये दुकानदार ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, इस समय इन विषय की टीम मुंबई के कुछ ऐसे बिल्डिंग के पास हम खड़े हैं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये नागपुर शहर की ये वही मकाने हैं जो ऊंची ऊंची मकान इमारतें यहाँ पे बनी हुई है और नागपुर शहर की आन बान शान कही जा रही है। जी हाँ, और इसी बिल्डिंग के आगे में एक परिसर आता है जिसे कहते हैं कॉटन मार्केट परिसर, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वही कॉटन मार्केट का परिसर का इलाका है जहाँ पे 27 मई को बहुत बड़ी एक आग लग चुकी थी जिसमें लाखों का नुकसान लोगों का हुआ था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पे ये कोयला जो दिखाई दे रहा है ये 27 मई में जली हुई, यहाँ कूड़ा कचरा था। कॉरपोरेशन के लोगों को बार बार मना किया गया था कि इस प्रकार के ये जो कूड़े कचरे थे इसे नहीं जलाना चाहिए, ऐसी हिदायत दुकानदारों ने दी। उसके बावजूद कुछ मनपा के ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने इस बात के और नज़रअंदाज किया और यहाँ पे कुछ ऐसे कूड़ा कचरे को जला जिसके चलते ये जो आग थी हवा के माध्यम से इस कदर फैली। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी आग लग चुकी थी। ऐसे में उस कर्मियों को मना करने के लिए कुछ यहाँ के दुकानदारों ने उन्हें टोका भी था, वे हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए क्या हुआ था, क्या कर्मी क्यों नहीं माने आपकी बात? कॉरपोरेशन के लोगों ने यहाँ पे ऐसे तो कोई साफ सफाई करने आता नहीं, 20-25 साल हो गए हमारे सामने तो कोई आया नहीं जी। फिलहाल जो साफ सफाई करने के लिए उस दिन आए इन लोगों को सबसे पहले वहाँ पे थोड़ा सा दूर पे आग लगाए, बस्ती को खतरा होने के कारण बस्ती वालों ने इनको बोले कि भैया यहाँ आग बुझा दो, उन्होंने आग वहाँ बुझा दिए। वहाँ से कचरा समेटकर हमारी दुकानों के पीछे में कचरा जमा किए और वहाँ पे उन लोगों ने, हमने पहले इनको बोला, वार्निंग किया कि भैया यहाँ पे आग मत लगाना, आप कचरा उठा लेना लेकिन आग मत लगाना, धोखा हो सकता है। आखिर वो लोग ने वहाँ कचरा जलाए। इस बात को मेरे पापा ने भी मना किया, मेरा छोटा भाई इसने भी मना किया कि भैया आग मत जलाना। आखिर जब आग हम लोग के जाने के बाद कुछ समय बाद आग जलाए, आग जलाने के बाद में ये आग दुकानों को लगी, दुकानों को लगने के बाद हो सकता है वो लोगों को समझा होगा कि हमसे तो कंट्रोल होंगी नहीं, वो लोग यहाँ से भाग गए क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी मार्केट के अंदर। इस वजह से वो लोग भी भाग गए। कुछ लोग जो मार्केट के अंदर से जाते उन लोगों ने बताया कि भैया आपकी दुकानें जलना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा हो गया करके, तब हम लोगों ने इनको फोन किया फायर ब्रिगेड को, तब वो लोग आए और यहाँ पे लोगों ने कंट्रोल किया। तकरीबन कितने दुकान यहाँ पे प्रभावित हुए हैं? यहाँ पे से आपने जो ज्ञापन एक प्रवीण जी राउत यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें दिया है, क्या आपने उस निवेदन में कहा गया है? 20-22 दुकानें जली है, इसमें दलालों का जो भी है हिसाब किताब माल दुकानें सब कुछ जलकर खाक हो गया, एक भी चीज नहीं बची, यहाँ तक के कांटे तक नहीं बचे। और सबसे बड़ी बात यह कि जनहानी नहीं हुई, यहाँ कोई था नहीं तो जनहानी भी नहीं हुई। और जो प्रवीण भैया ने हमारे लिए किए वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे में कोई भी कॉरपोरेशन के ऑफिसर नहीं आए हैं, ना ही कोई पॉलिटिक्स का कोई आके हमारे साथ में खड़ा हुआ है, हमारे प्रवीण भैया। तो इन्होंने उस कर्मी को बार बार बताया कि यहाँ कचरा मत जला क्योंकि कचरा जलाने से हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की घटना हो सकती है, घटना हो भी गई है। थोड़ा सा आप प्लान करके बताइए सुभाष कि देखिए कि इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक था, आज पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। इस प्रकार के ये कभी कभी इस
जो छत थे छत को लगाने के लिए सागवान के या ऐसे कुछ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, भीषण ऐसी अंगार लगी हुई थी कि जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हुए, कई लोगों का नुकसान हुआ। ऐसे में ये लोग अब धीरे धीरे इससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं कुछ दुकानदार छोटा मोटा काम करते हुए फिर नए सिरे से अपनी रोजी रोटी के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए फिर से काम पे लग रहा है। और फर्नीचर का नया वो धीरे 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 टीन लाना उनका ये काम जारी है। इस समय में हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण जी राउत है, जिन्हें ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ के क्वार्टर मार्केट के 22 दुकानदारों ने उन्हें जो कुछ निवेदन दिया है उसके बारे में जानना चाहिए। प्रवीण जी, आपके हाथ में ये जो क्वार्टर मार्केट वालों ने ये जो ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुखता से बातें हैं और आप क्या करना चाहोगे? देखिए, लॉकडाउन की वजह से ये संपूर्ण मार्केट 70 दिनों से बंद था, और ऐसे परिस्थिति में किसी अधिकारियों के कहने पे ये गली है, आप देख रहे हैं ये गली है, और ये गली में कचरा है, लेकिन आज तक ये कचरा कभी साफ सफाई नहीं हुआ। ये बात के ऊपर आप गौर फरमाएं, आज तक कभी साफ सफाई नहीं हुआ, और ये 27 तारीख को ही साफ सफाई का आदेश कैसे क्या दिया गया? अच्छा, आदेश दिया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थान पे कचरा जलाना दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। ऐसे परिस्थिति में अगर समझो मनपा, जो मनपा के प्रमुख माननीय मुंडे साहब है, जो प्रशासकीय ऑफिसर है, जिनका शहर में नाम है, जो अच्छे व्यवस्थित स्वच्छ सुंदर सुरक्षित अधिकारी करके जिनको जाना जाता है, और उनके प्रमुख अधिकारित्व में अगर समझो कर्मचारी ऐसा करते हो तो देखो ना। और मेन बात यह है कि माननीय जी लखनलाल जी गौर, ये युवा व्यापारियों ने कचरा कर्मचारियों को रोका कि आप कचरा जला मत जलाइए, और कचरा कर्मचारियों ने इनको बोला कि आप चले जाइए, हम कचरा बुझा डालेंगे, जबकि पहली बार बस्ती में पानी डाल के वो कचरा बुझाया, दूसरी बार इन्होंने कचरा जलाया, लोग चले गए। लॉकडाउन के वजह से मार्केट पूरा लॉक था, और उसके वजह से किसी का इधर ध्यान नहीं गया और ये दुर्घटना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब देखिए, ये जो घटना दुर्घटना हुई ये कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के वजह से हुई, तो दुर्घटना जिस कारणवश हुई वो कारण के लिए मनपा कर्मचारी जवाबदार है, मनपा अधिकारियों का दुर्लक्ष जवाबदार है, और ये सादी घटना नहीं है, ये दुर्लभ घटना है, और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उसका अवमान हुआ है। तो हमने तुरंत यहाँ बैठक ली, सारे व्यापारी इकट्ठा है, कॉटन मार्केट के जो चार पार्ट है व्यापारियों के, ओटा मार्केट, टीन शेड, अंदर के व्यापारी और ये सारे दलाल, तो ये सब इकट्ठा हुए, हमने ठराव पारित किया, हमने पंचनामा बनाया, और वो पंचनामा और अर्जी कि हमारा इस कॉरपोरेशन के गलती से जो भी नुकसान हुआ है वो हमारी नुकसान भरपाई दी जाए। यहाँ अगर समझे लॉकडाउन में देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, आग लगती है तो आग बुझाने का व्यवस्था नहीं है, कचरा कितने दिनों से पड़ा है, तो ये मूलभूत सुविधा, ये मूलभूत, ये किराएदार नागरिक है, किराएदार दुकानदार है, इनकी ये व्यवस्था करना ये कॉरपोरेशन का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य ना करने के वजह से ये इतनी बड़ी खतरनाक दुर्घटना हुई है। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है, पूरे कागजात जल गए हैं, वो वेट मेजरमेंट, बड़े बड़े वजन थे, 20-25 हजार के वेट थे। राहुल जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये बताएं कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते, क्यों, क्या मांग है आप? अभी हमारी ये मांग है कि ये जहां जो नुकसान भरपाई है वो नुकसान भरपाई मिलने को होना, कॉटन मार्केट की सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित पद्धति से व्यवस्था होने को होना, और जो भी दोषी कर्मचारी है या अधिकारी है फिर वो आला अधिकारी रहे, क्योंकि जनता के लिए कमिश्नर, कलेक्टर, सीएम, पीएम रहो या फिर चपरासी या पीयून रहो, वो सारे अधिकारी कर्मचारी यानी नौकर है, और लोक प्रतिनिधि फिर वो नगर सेवक रहो या फिर एमएलए या एमपी, आमदार या खासदार रहो, वो सेवक है, मानधन लेते हैं और सेवा करते हैं, दे आर नॉट मेकिंग एनी उपकार ऑन द पब्लिक, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, और यहाँ पे वो ड्यूटी करने से वो असफल रहे हैं, जिसका भुगतमान ये सारे व्यापारियों को और नागपुर शहर को भी भुगतना पड़ सकता है। तो हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से मांग किए हैं, ऑफिशियली मांग किए हैं, वी गिवन द एप्लीकेशन टू पुलिस इंस्पेक्टर फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड लीगल एक्शन, तो जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और व्यापारियों का जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई उनको मिलना चाहिए, और आगे में ऐसी दुर्घटना ना हो ऐसा प्रयास, ऐसा शासन प्रशासन, यहाँ का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ध्यान देना चाहिए, यही हमारी डिमांड है।
बिल्कुल इस तरह की इन्होंने ये जो डिमांड की आप देखना, ये होगा कि मनपा के म्यूनिसिपल जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे, ये इसके लिए क्या स्टैंड लेते हैं, किस तरह की कार्यवाही करते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से ये जो आग लगी थी इसमें काफ़ी व्यापारियों का नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्योंकि हमने इसको लेके भी एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने पेश की थी और ये पल पल की जानकारी उस समय में भी दी थी। अब ये भी समय है कि जब इन लोगों ने अपनी मांग की गुहार उन लोगों के लिए की है जिनका नुकसान हुआ है, अब म्यूनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे सर क्या ध्यान देते और कितना लोगों को न्याय दे पाते हैं, न्याय के साथ में जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर में क्या सख्त कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वेट एंड वॉच जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। नागपुर के कॉटन मार्केट परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।